देश भर में चल रही शीतलहर के चलते जहां दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं, वहीं आज मोगा में भी घना कोहरा छाने से हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आई। इस दौरान विजिबिलिटी भी कम हो गई है। कोहरे के चलते वाहनों की भी गति धीमी है। ट्रैफिक एजुकेशन सेल के इंचार्ज केवल सिंह ने कोहरे के बीच सावधानी से वाहनों को चलाने की अपील की है। सारे पंजाब वासियों नूं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ASI केवल सिंह, इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन सेल डिस्ट्रिक्ट मोगा। इस वक्त असी खड़े हैं जी मोगे का जिहड़ा हैड दहल है, मेन चौक जोगिंदर चौक, उहदे पुल ते देखो दोनों पासे किन्नी किन्नी धुंद है। तकरीबन दिन दे 9 बजण वाले हो गए है जी। जे शहर के इन्नी गूढ़ी धुंद है, जिहड़े पिंडां दे विच्चों मिनियां बसां वाले, स्कूली वैनां वाले, जां कोई मोरे होर भैण भरा ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਰਹੂਗਾ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। 30 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਬੱਸ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਗਰ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।